हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हाजीपुर की खबरें। बिहार के हाजीपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। रिहायशी इलाके के बीच बनाया जा रहा था देशी पिस्टल और हथियार। कई तैयार देशी कट्टे सहित हथियार बनाने का साजो सामान बरामद। महुआ के बेलकुंडा नारायणपुर गांव में चल रही थी अवैध हथियार फैक्ट्री। पुलिस ने 5 लोगों को मौके से किया गिरफ्तार। घटना कल दोपहर बाद की है। कल दिनांक 16 दिसंबर के अपराह्न बाद में SHO महुआ कृष्णानी झा हैं, इनको गुप्त सूचना मिली थी कि सन्नी कुमार नामक व्यक्ति, जो कि ग्राम नारायणपुर थाना महुआ का रहने वाला है, उसके घर में कुछ लोगों के साथ मिलकर के वो अवैध हथियारों के निर्माण का काम करता है, एक मिनीगन फैक्ट्री का। वहाँ पर जब छापामारी किया गया तो 5 लोग गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम है मोहन कुमार, सन्नी कुमार, चंदन कुमार और राहुल कुमार। ये सभी लोग थाना महुआ अंतर्गत रहने वाले हैं। और एक पांचवें व्यक्ति जिसका पकड़ा गया, उसका नाम है रोहित राज, पिता राजकुमार दास, ग्राम मानसीपुर फतेहपुर फुलवरिया, ये सराय थाना, सभी लोग वैशाली जिला अंतर्गत के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से देसी हथियार बनाने के लिए सामग्री, मशीन्स, अर्धनिर्मित पिस्तौल्स, अर्धनिर्मित कट्टे बरामद किए गए हैं। 5 लोग गिरफ्तारी के लिए इन संदर्भ में महुआ थाना कांड संख्या 709/20 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत इनको दर्ज किया गया है। 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। इनसे हम लोगों की पूछताछ लगातार जारी है, ताकि हम पता लगा सकें कि इनका कोई अगर कोई चेन या नेटवर्क था तो कहां तक था, और उस पर अगर अनुसंधान अभी चल रहा है। कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है इन लोग का? नहीं आया है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अनुसंधान जारी है, तो अनुसंधान क्रम में हमें जो भी लीड्स मिलती हैं उस पर काम करेंगे। सर, कितने दिनों से चल रही थी पूछताछ? में बताया है कि ये कुछ दिनों से चल रहा था, और इनके पास जो हमें मतलब मोबाइल फोन बरामद हुए, उसके बेसिस पर हम लोग अगर अनुसंधान कर रहे हैं कि ये कौन पॉसिबल क्लाइंट्स हो सकते हैं। सभी लोग लड़के हैं और उस लड़के हैं, और हम लोग उसमें जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि ये कब से और क्या क्या कर रहे थे। दैट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर, बरामद हथियार की संख्या क्या है? अर्धनिर्मित हथियार बरामद हुए हैं। संख्या उसकी कुछ होगी? संख्या उसमें इक्विपमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट बनाने का होता है। जैसे कि आपने अभी देखा, 3-4 अर्धनिर्मित देशी कट्टे थे, उसमें लेथ मशीन थी, बाकी चीज़ें थी, जिससे कि आप काफ़ी संख्या में बना सकते हैं। कुछ दिनों पहले भी सर पटना STF की टीम महुआ थाना क्षेत्र में रेड की थी। गुरो थाना अंतर्गत में हुआ था वो, आज से पहले की घटना, जो कि जॉइंट ऑपरेशन था, उसका इसमें भी कोई संबंध हो सकता है। देन दैट अगेन इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दोनों अलग जगहों से हुआ है। हथियार बनाए किसी दूसरे जिले में सप्लाई उप्लाई करते थे क्या? डेफिनेटली जो हथियार बनाए हुए हैं, उन्होंने कुछ हमें नाम बताए हुए हैं जिनका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। उसमें अगर हम लोगों को कोई अगर ऐसी चीज़ मिलती है तो हम कार्रवाई करेंगे। इसी जिले में बेचता था या दूसरे जिलों में भी? अभी हमारी पूछताछ चल रही है।